प्रमुख रूप से तो आज की ये बैठक कोविड के सिलसिले में थी। मैं इन दिनों में सभी जिलों में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। शिमला में हमारी बैठकें कोविड से संबंधित होती थी, तो उसी में ही शिमला की हमारी चर्चा होती रहती थी, क्योंकि शिमला स्टेट का कैपिटल है। कैपिटल होने के साथ साथ में सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा भी शिमला ही देता है, IGMC देता है आज की तारीख। ऐसी सूरत में शिमला की चर्चा तो होती थी, लेकिन पूरे ज़िले का अलग से रिव्यू करना, चर्चा करना, ये बहुत आवश्यक था। आज वो हमने यहाँ पर शिमला में किया है। माननीय सुरेश भारद्वाज जी और डॉक्टर राजीव सैजल जी भी आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित रहे इस बैठक में, और बहुत डिटेल में बातचीत की। और हमने इसमें नीचे तक पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि, नगर परिषद, नगर पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि तक भी हमने उन लोगों को कनेक्ट किया था, सुझाव उनसे भी लिए और अपनी बात उन तक भी हमने की। सबसे पहले तो मैं यही कह सकता हूँ कि जो बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए हमने जहाँ दूसरे जिलों में भी कैपेसिटी, बेड कैपेसिटी और सारी सुविधाओं को बढ़ाने का जो हमने निर्णय किया है, उसमें आज शिमला का भी हमने उस दृष्टि से निर्णय लिया है। लगभग 500 और बेड कैपेसिटी आने वाले समय में फेज मैनर में हिमाचल प्रदेश में, जो हमारी स्टेट कैपिटल है शिमला में भी, उसको हम तैयार करेंगे। और भी हम जगह ढूंढ रहे हैं, उससे ज़्यादा की अगर मिलती है, जगह मिलती है, तो उसके वहाँ पर भी प्लान की गई है, उसको भी हमने डेडिकेट कर दिया, वो कोविड के लिए रहेगा, क्योंकि इन दिनों में बहुत बड़ी संख्या में नंबर हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए आ रहा है, तो इसलिए आपको ये स्वाभाविक रूप से करना ही होगा। और उसी तरह से आगे जो हमारा जुनगा का जो सिविल हॉस्पिटल है, वो शिमला के करीब है, नज़दीक है, शिमला शहर से तो बाहर है, तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद करीब है, अच्छी सुविधा के साथ वहाँ पर 50 बेड कैपेसिटी वहाँ पर भी हमने प्लान की है, वहाँ पर भी कोविड के पेशेंट को ले करेंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारा टूटी सकते हैं, उसके लिए मैं डिप्टी कमिश्नर और SP की ड्यूटी लगाई है, और यहाँ के हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के CMO हैं और अधिकारी हैं, वो जाकर के विजिट करेंगे और सुरेश भारद्वाज जी को यहाँ पर रिपोर्ट देंगे, और रिपोर्ट देने के बाद वो भी हम निर्णय कर रहे हैं कि 100 की बेड कैपेसिटी के लिए हम वहाँ पर भी प्लान करेंगे। लेकिन सारी चीज़ें हम फेज मैनर में हम करते जाएंगे। 500 की बेड कैपेसिटी शिमला में, और उसके साथ साथ में ऑक्सीजन की कमी ना हो, उसके लिए सप्लाई चेन को हमने अच्छी तरह से मेंटेन किया है, कोई कठिनाई उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी और तरह से बेहतर ढंग से वो मेंटेन रहे। और उसमें और भी चीज़ों के लिए, चाहे PPE किट है, चाहे मास्क है, चाहे वो सैनिटाइज़र है, किसी भी चीज़ की कमी ना हो, इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के शिमला डिस्ट्रिक्ट में हम देख रहे हैं कि जो कोविड के मामले जितने भी हैं, तो उसमें बड़ा नंबर जो है शिमला शहर के अंदर है आज की तारीख में। संक्रमण सब जगह फैला है, सब जगह पहुंचा है, थोड़ा बहुत, लेकिन शिमला शहर के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें कंटेनमेंट जोन में अच्छी तरह से काम हो, और उसके साथ में उनको होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनकी ट्रीटमेंट ठीक प्रकार से हो, और कोई अगर ज़्यादा बीमार होता है, ज़्यादा तबीयत खराब होती है, तो उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने सारी चीज़ें उस पर विचार किया है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद एक विषय और, जो शिमला और क्या पूरे हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में जो बेमौसमी समय में, मतलब जिसको हम कह सकते हैं, बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान जो है वो बागवानों का हुआ है, किसानों का हुआ है, मटर की फसल, सेब की फसल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, सेब के पेड़ों को नुकसान हुआ है, जो चिंता का विषय है। उसकी असेसमेंट के लिए ये हमने कहा था, डिप्टी कमिश्नर ने उसको प्रेजेंटेशन दी है, और उस प्रेजेंटेशन के हिसाब से हम कोशिश करेंगे केंद्र में भी बात करने के लिए, केंद्र से भी सारे मामले को टेकअप करने के लिए, और जो किसानों के लिए राहत की दृष्टि से जो किया जा सकता है, हालात कठिन है लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो किया जा सकता है। सर, हमारा पॉजिटिविटी रेट क्या है? अगर हम सैंपलिंग देखें, 6,000 से 8,000 की सैंपलिंग में 2,000 से अधिक जा रहे हैं, ये है। दूसरा, May 1 से जो 18 से 45 साल के बीच युवाओं को वैक्सीनेशन शुरू होना है, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, उसको लेकर हमारे पास कितने वायल्स अवेलेबल हैं, कितनी डिमांड है? जहाँ एक तो पॉजिटिविटी रेट की बात कर रहे हैं, लगभग 12% के लगभग है, बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। और ख़ास तौर से इसमें जो बाहर से कंट्रीब्यूट हो रहा है, जो वायरस बाहर से हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं लोग, उसमें बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, वो एक चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी हिमाचल है, उनका घर है, किसी को रोकना उचित नहीं है। हमने इसलिए कहा है कि जो भी आ रहे हैं
वो आकर के होम आइसोलेशन में रहें, और वो होम आइसोलेशन के साथ साथ हमने ये कहा कि भाई आप अपना RT-PCR टेस्ट करवा लें, और जहाँ दूसरी चीज़ों को लेकर के जो आपने कहा है उन सारी चीज़ों को लेकर के अलग से बात करें। सर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के रेट्स में भी वेरिएशन आ रहा है, जो प्राइवेट हैं उनके रेट्स ज़्यादा हैं, तो क्या इस पर कोई अंकुश होगा? ऑक्सीमीटर भी और जितने भी इक्विपमेंट सर अब तो एग्जैजरेट ही हो गए रेट सर, उसको लेकर भी मॉनिटरिंग रहेगी। देखिए, इस सारी चीज़ को मॉनिटर करने के लिए हमारी जो अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की और सारे इसमें जो अधिकारियों की जो कमेटी बनी है वो सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रही है। हमारी कोशिश है कि आवश्यकता के अनुसार ही चीज़ें ली जाए, एक तो ये है जो सप्लाई है, और दूसरी बात यह है कि जेन्युइननेस उसमें रेट्स में उस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। और इतने बड़े संकट के दौरान हम कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई कालाबाजारी करना चाहे, कोई रेट के माध्यम से अनावश्यक रूप से मुनाफा कमाने की कोशिश करे, तो इस बात की इजाज़त नहीं। सर, जो कोविड प्रभावित राज्य हैं उन्होंने अपने जो MBBS नीट और जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो एग्जाम हैं दैट हैज बीन पोस्टपोन्ड, हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति है, क्या डिसीजन लिया गया? तो नीट के बारे में और दूसरा जो हमारे जो सेंट्रली जो ये एग्ज़ाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो उनके लिए तो अभी तक हमने कोई इस तरह, क्योंकि हर निर्णय हमारा निर्णय उसमें लेने का विषय होता भी नहीं, लेकिन फिलहाल फिलहाल उन सारी चीज़ों के लिए जो हिमाचल के जो है जो हमारे हैं तो उनके एग्ज़ाम पोस्टपोन करने का तो हमने निर्णय लिया ही है। क्लासेज हमने फिलहाल जो है वो 10 तारीख तक तो है, वो पहले अभी हमने 1 तारीख तक हमने ये किया है, और उसके बाद आगे विचार किया जा सकता, क्योंकि हालात इस प्रकार के हैं आज की तारीख में, अभी तक जो है स्कूल कॉलेजेस में ये संभव नहीं परिस्थितियां हैं कि भाई वहां पर हम क्लासेस शुरू कर सके, वहां पर एग्जाम कर सके। सर, दिल्ली के लिए ऑक्सीजन सप्लाई की बात करी थी, क्या वो ऑक्सीजन सप्लाई हो पाई और कितनी हो रही है और क्या? देखिए, ऐसा उन्होंने आग्रह किया है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, उसमें स्पष्ट है कि ऑक्सीजन को हम स्टेट गवर्नमेंट की ओर से अब नहीं दे सकते, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में बहुत चीज़ें नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत जो है उसकी एलोकेशन की एक प्रोविज़न किया गया है, जो भी परमिशन मिलेगी वहाँ से मिलेगी, वहाँ से अगर हमको इजाज़त मिलेगी, हमको कहा जाएगा, तो उसके मुताबिक सारी चीज़ों को लेकर के करेंगे। फाइनली सर, जो क्रॉस बॉर्डर जो विजिटर्स हैं जो लोग आ रहे हैं उसको लेकर जो नोटिफिकेशन हुई है उसमें कहा गया है कि चेक करेंगे, लेकिन जो ई पोर्टल है वो अभी प्रॉपरली फंक्शनल नहीं हो पा रहा है, कंफ्यूजन है, तो क्या उसमें चेक करेंगे, क्योंकि ये क्लियरिटी नहीं आई है सर कि कौन करेगा, क्या नाके लगेंगे, कि कन्फ्यूजन थोड़ा क्लियर हो जाए। इस बात के लिए मैकेनिज्म वही हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं जो पिछली बार कोविड के जब हमारा अनलॉक फेज शुरू हुआ, लॉकडाउन के बाद अनलॉक फेज शुरू हुआ था, उस तरह से रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किसी ने भी की है तो भी उसको वहाँ पर जो है वहाँ मौके पर भी रजिस्ट्रेशन की जा सकती है, ताकि आने और जाने वालों की अब जानकारी रहे और कहाँ जा रहा हो ये जानकारी पहुँचे, ताकि समय पर उसको जो है वहाँ पर होम क्वारंटाइन के लिए जो कहना है किसी को, अधिकारी को, वहाँ के हमारे पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि को, उनको हम कह सकें। सर, कोटखाई में आगजनी हुई है सर, उसका कितना नुकसान हुआ? सर, कोटखाई में आगजनी हुई है सर सुबह आज, उस पर काफ़ी नुकसान हुआ सर, उसकी असेसमेंट आएगी, अभी पूरी डिटेल्स नहीं मैंने ली अभी तक, जानकारी पूरी मिलेगी उसके बाद। सर, ऊना और कांगड़ा बॉर्डर्स के क्या स्थिति है सर, क्या वहाँ पे सील या कुछ इस तरह के आदेश दिए गए, क्योंकि सबसे हॉट एरियाज हिमाचल के, क्या हम रोक सकते हैं? देखिए, जहाँ तक अभी तक हमने हिमाचल प्रदेश के 4 जिले हैं, कांगड़ा, ऊना, सोलन, सिरमौर, जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर हमने जो है वो फर्दर थोड़ा इंक्रीज किया है रिस्ट्रिक्शन, जिसमें नाइट कर्फ्यू भी हमने उसमें इम्पोज किया है, कोविड के कोरोना कर्फ्यू जिसको हम बोलते हैं, जिस किया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मॉनिटरिंग बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्यों बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ से आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और स्वाभाविक रूप से यहाँ तक स्थिति आ गई है पंजाब और हरियाणा की स्थिति जो है, जहाँ पर उनको पंजाब में बेड नहीं मिल रहा है तो वो हिमाचल आ रहे हैं, यहाँ बेड मिलेगा, यहाँ हमको ऑक्सीजन मिलेगी, तो ये स्थिति वहाँ पर आई। हम किसी के ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं कर रहे हैं, आदमी चाहे यहाँ रहता है वहाँ रहता है वो भी रहता है, लेकिन फिर भी हम उन राज्यों के साथ इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनका ट्रीटमेंट का दायित्व तो उस प्रदेश का भी है, वो वहाँ पर सुनिश्चित करें,
तो ऐसे में इस तरह की कई तरह की बातें इसमें बीच में। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। छोटा सा विषय सर, कुछ कैश, कुछ संस्थान जो हॉस्पिटल्स है वो कैशलेस इंश्योरेंस, जिस तरह से सरकार की स्कीम चली है आयुष्मान भारत या दूसरी योजनाएं, उसके लिए अब कैश की डिमांड भी कर रहे हैं, उसको भी क्या मॉनिटरिंग किया जाए, उन सारी चीज़ों को लेकर विचार। लेकिन सबसे पहले इस वक्त हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि इस कोविड के दौर में, कोविड के संकट से प्रदेश को कैसे बाहर निकालें और प्रदेश के लोगों को कैसे मदद। थैंक यू।